अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स मैं हूं आपकी टीचर हफ्स सिद्दीकी और हम यहां पे पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग अकाउंटिंग का हम चैप्टर नंबर टू देखेंगे और चैप्टर नंबर टू के अंदर हम कुछ तफसील से देखेंगे मुख्तफ़ अकाउंट्स के बारे में कि अकाउंटिंग में जो हम बात करते हैं अकाउंट की वो असल में होता क्या है तो यहाँ पर आपके पास एक डेफिनेशन दी गई है अकाउंट की द अकाउंट इज़ अ समरी ऑफ रेलिवेंट ट्रांजेक्शन्स एट वन प्लेस रिलेटिंग टू पर्टिकुलर हेड इट रिकॉर्ड्स नाट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट आल्सो देयर अफेक्ट एंड डायरेक्शन बेसिकली अगर अकाउंट को देखा जाए तो वो हमारे पास एक समरी की फॉम में होता है और किस चीज़ की समरी होती है कि बिज़नेस के अंदर जिस किस्म की भी लेन देन हो रही है कोई चीज़ ख़रीदी जा रही है कोई चीज़ बेची जा रही है कोई, कोई एक्सपेंस किया जा रहा है कहीं से इनकम जनरेट हो रही है ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये हमारी ट्रांजेक्शन कहलाती हैं जहाँ पे हमारे पास कुछ कैश की ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं और कुछ क्रेडिट की ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं लेकिन जिस भी किस्म की ट्रांजेक्शन हो रही होती है हम उसको अपने किसी न किसी अकाउंट के अंदर एंटर करते हैं हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक ख़ास हेड जो है वो असाइन किया जाता है यानी कि अगर कोई हम कैश की बात कर रहे हैं तो हर तरह का कैश आया या गया उसको हम एक ही जगह लिखेंगे इसी तरह अगर हम रिसीवेबल्स की बात कर रहे हैं तो उसको रिसीवेबल्स के अंदर लिखेंगे कैश के अंदर नहीं लिखेंगे ठीक है इसके अलावा कहा जा रहा है इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो देयर इफेक्ट इन डायरेक्शन सिर्फ ट्रांज़ेक्शन को लिखने तक की बात नहीं होती इसके अंदर बल्कि अकाउंट के अंदर हम बता रहे होते हैं कि क्या इफेक्ट है उस ट्रांजेक्शन का जैसे मैंने अभी बात करी कि कैश आता भी है कैश जाता भी है तो ये इफ़ेक्ट है ये डायरेक्शन बता रहा है कि कैश का फ्लो कंपनी के अंदर हो रहा है या फिर कंपनी से कैश बाहर जा रहा है ठीक है तो ये ट्रांजेक्शन का इफ़ेक्ट भी कहलाएगा और डायरेक्शन भी कहलाएगी इसके साथ साथ मजीद इसकी एक डेफिनेशन दी गई है इन अदर वर्ड्स इन द बुक कीपिंग सिस्टम अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम इज़ कॉल्ड अकाउंट हम ये भी कह सकते हैं कि बुक कीपिंग का सिस्टम जो है जहाँ पे हम तमाम चीज़ों का अपने बिजनेस का रिकॉर्ड रख रहे हैं वहाँ पे तमाम ट्रांजेक्शनस को हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी आइटम के साथ अगर हम उसको रिलेट करते हैं ट्रांजेक्शन को तो वो चीज़ हमारा अकाउंट कहलाती है ये यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है अकाउंट की जिसको आप अपने पेपर्स में एक डेफिनेशन के तौर से भी यूज़ कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे आपको मैं कुछ थोड़ा सा ब्रीफ़ सा पहले एक चार्ट बना के दिखाऊंगी फिर इसको सेपरेटली डिस्कस करते हैं सबसे पहले अकाउंट के अंदर हम बात करेंगे असेट्स अकाउंट जो कि मेन अकाउंट होता है हमारा फिर हम बात करते हैं लाइवलिटी अकाउंट की थर्ड हमारे पास आते हैं कैपिटल अकाउंट फोर्थ हमारे पास आता है एक्सपेंस अकाउंट और फिफ्थ हमारे पास होता है रेवेन्यू अकाउंट अब इन तमाम अकाउंट्स को हम सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं असेट्स की असेट्स क्या होते हैं ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि असेट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं दो तरीकों से जिसमें पहले होता है करंट असेट्स करंट असेट्स आर वन दैट एन एंटिटी एक्सपेक्ट टू यूज विद इन वन ईयर टाइम फ्राम द रिपोर्टिंग डेट करंट असेट्स वो तमाम असेट्स होते हैं जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक साल के अरसे के अंदर अंदर उस एसेट को कंज्यूम कर लेंगे यूज़ कर लेंगे या किसी भी तरीके से उसको इस्तेमाल में ले आएंगे ये चीज़ हमारी करंट इसेट होती है इन तमाम इसेट्स के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है कैश चाहे वो हमारे पास कैश इन हैंड हो या फिर कैश इन बैंक हो और इसके साथ साथ हमारे पास आ जाते हैं कुछ रिसीवेबल्स ये भी हमारे करंट इसेट्स होते हैं जो कि ईजिली कन्वर्टेबल टू कैश हो चीज़ उस चीज़ को हम कहते हैं करंट इसेट नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फिक्स एसेट्स फिक्स के यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है एसेट्स को हम नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं तो यहाँ कहा गया है कि नॉन करंट एसेट्स आर बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू लास्ट मोर देन वन ईयर टाइम फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट वो तमाम एसेट्स जिनकी यूजफुल लाइफ एक साल से ज्यादा हो वो हमारे फिक्सड एसेट्स के अंदर आते हैं यानी कि मैं उसको कंज्यूम एक साल के अंदर अंदर नहीं कर रही बल्कि मैं एक साल से ज़्यादा भी उसको इस्तेमाल में लेके जा रही हूँ वो एक साल से दो साल भी हो सकता है वो बीस साल भी हो सकता है ठीक है तो ये चीज़ हमारी कहलाती है फिक्सड एसेट्स इसकी अगर हम काइंड्स देख लें तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं टेंजेबल एसेट्स और नॉन टेंजेबल एसेट्स अब एसेट्स वो तमाम तरट्स होके होते हैं जो कि फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं और इसके अंदर हम बात कर लेते हैं बिल्डिंग्स की किसी भी, भी किस्म की मशीनरी की या फिर फिक्सचर्स की इन टेंजेबल असैस वो तमाम तरह असेट्स होते हैं जो कि फ़िज़िकली एग्जिस्ट नहीं करते ठीक है जैसे हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो वो फ़िज़िकली एग्जिस्ट करती है मशीनरी की बात कर रहे हैं तो फिज़िकल एग्जिस्ट करती है इसी तरह लैंड भी है फिर हमारे ऑफिस फर्नीचर है या फिक्सचर्स हैं ये तमाम तरह चीज़ें हमारी टेंजिबल असीट्स हैं जिनकी यूज़फुल लाइफ जो है वो एक साल से ज़्यादा अरसे की है और इसके साथ साथ ये फिज़िकली एग्जिस्ट करते हैं लेकिन इनटेंजबल असेट्स वो तमाम तरह तरट्स होते हैं जो कि फिजिकली हम उनको देख नहीं सकते लेकिन उनकी यूज़फुल लाइफ जो है वो एक साल से ज़्यादा अरसे की होती है इसके अंदर हम बात करते हैं गुडविल की पेटेंट्स की ट्रेडमार्क की कॉपी की सॉफ्टवेयर की या फिर लोगों की ठीक है ये तमाम तरह हमारे इनटेंजबल असेट्स हैं ये तमाम तरह चीज़ें जो है इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे एक साल के अंदर अंदर इसको कंज्यूम कर लिया जाएगा लेकिन इसके साथ साथ इनकी फ़िजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होती ठीक है गुडविल को आप फिज़िकली नहीं देख सकते लेकिन बिल्डिंग को देख सकते हैं ट्रेडमार्क को आप फिजिकली नहीं देख सकते सॉफ्टवेयर को आप नहीं देख सकते लेकिन इनकी फ़िज़िकली एग्जिस्ट एग्जिस्टेंस हो ना हो ये फिर भी हमारे पास एक यूजफुल फॉर्म में मौजूद होते हैं इसके बाद फिर अगले अकाउंट की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं लाइबलिटी लाइबिलिटीज़ भी हमारे पास दो तरह की होती हैं पहली हमारी होती हैं करंट लाइबिलिटीज़ करंट लाइबलिटी इज़ वन विच द एंटिटी expects टू pay ऑफ़ within one वन ईयर टाइम the द रिपोर्टिंग डेट करंट लाइबिलिटीज वो तमाम तर लाइबिलिटीज होती हैं जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि एक साल के अंदर अंदर हमने इसकी अदायगी करनी है एक चीज़ आपको मैं यहाँ क्लियर करती चलूँ लाइबिलिटी uh, हमारी वो तमाम तर चीज़ें होती हैं या वो तमाम तर हमारे uh, अदायगियाँ होती हैं जिसको हमने पे ऑफ़ करना होता है ठीक है यानी कि मैंने किसी से कोई उधार लिया हुआ है कोई लोन लिया हुआ है या फिर मैंने किसी को तनख्वाहें देनी थी जो मैंने नहीं पे करी जिन चीज़ों की मैं लाइबल होती हूँ पे करने की वो चीज़ हमारी करंट लाइबलिटीज़ में आ जाती हैं और इनका जो मदत होती है वो एक साल के अंदर अंदर तक की होती है इन तमाम चीज़ों को हम करंट लाइबलिटी कहते हैं इस करंट लाइबलिटी के अंदर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म लाइविलिटी की और शॉर्ट टर्म लाइबलिटी के अंदर आ जाते हैं बिल्स या नोट्स पेबल्स ट्रेड क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स ओवर ड्राफ्ट इंस्टॉलमेंट्स ऑफ लोन ये तमाम तर चीज़ें क्योंकि हमारे एक ही साल के अंदर अंदर हमें पे ऑफ़ करनी होती हैं इसी वजह से इसको हम करंट लाइबिलिटी कहते हैं नेक्स्ट में हमारे पास आ जाती हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़ नॉन करंट लाइबलिटी इज़ वन विच द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू सेटल आफ्टर वन ईयर फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट यानी कि हमें एक साल से ज़्यादा के अरसे में अगर किसी चीज़ को पे ऑफ़ करना हो यानी yani कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ा है तो वो चीज़ हमारी नॉन करंट लाइबलिटी कहलाएगी और इसको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी कह सकते हैं इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन्स किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से यानी कि किसी भी बैंक से हमने जो लोन्स लिए हुए हों या फिर हमारे कुछ डिबेंचर्स पेबल्स होते हैं बॉन्ड पेबल्स होते हैं डिबेंचर्स क्या होते हैं हम इंशाल्लाह ताला सेकंड ईयर के अंदर देखेंगे काफ़ी डिटेल में देखेंगे फिर बॉन्ड पेबल्स होते हैं इसके साथ साथ हमारे पास कुछ मॉर्गेज पेबल्स होते हैं ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये हम एक साल से ज़्यादा मुद्दत के लिए अभी एक साल से ज़्यादा दो साल भी हो सकते हैं और वही बात कि हम बीस साल तक पचास साल तक भी इसको लेके जा सकते हैं यानी कि मैंने कोई चीज़ मॉडगेज करा ली गिरवी रखवा ली उसको मैं एक साल के अंदर अंदर पे ऑफ नहीं करूंगी उसकी मुझे, मुझे मुद्दत ज़्यादा मिलती है क्योंकि जो चीज़ हम मॉडगेज कराते हैं उसकी वर्थ जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है इसके बाद हम थर्ड अकाउंट देखते हैं जिसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट इट इज़ द अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर और पार्टनर हु इन्वेस्टेड मनी इन द बिजनेस ये अकाउंट हमारा प्रोप्राइटर या फिर पार्टनर का अकाउंट कहलाता है जिसके अंदर जो ओनर होता है उसने इन्वेस्ट की हुई होती है अपनी कोई भी चीज़ या फिर कोई मनी के फॉर्म में ठीक है और इसके अंदर ओनर्स इक्विटी कहलाती है और ओनर्स इक्विटी जो है वो कैपिटल होता है यानी कि कैपिटल हम कह सकते हैं उर्दू में इसको सरमाया कि जब किसी ने बिज़नेस स्टार्ट किया तो वो कैश की फॉर्म में स्टार्ट किया उसने बिल्डिंग पूरी इन्वेस्ट कर दी या फिर वो कुछ मर्चेंडाइज या मशीनरी वगैरह कोई भी चीज़ वो लेके आया तो वो ओनर की इक्विटी कहलाती है या इसको हम सादा ज़बान में कैपिटल भी कह सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सपेंस अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसका मतलब है अखराजा हमारे जो हो रहे हैं बिजनेस को चलाने के लिए उसका भी अकाउंट मेंटेन करती है कंपनी दीज आर अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं ख़ास तौर से अपने अखराजा को मैंटेन करने के लिए या फिर बिजनेस में अगर किसी किस्म का कोई लॉस हुआ है कोई ड्राॅइंगस हुई हैं उसको भी हम एज अ एक्सपेंस ट्रीट करते हैं एक्सपेंसिज हमारे परचेजेस की मद में आ जाते हैं हम सैलरीज की मद में या फिर किसी किस्म का हमने कोई रिपेयर करवाया है किसी चीज़ को तो वो भी एक्सपेंस कहलाएगा फिर यूटिलिटी बिल्स होते हैं ये भी एक्सपेंसेस होते हैं फिर डेट्स के एक्सपेंस होते हैं और फिर लास्ट में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस आते हैं इसके बाद अगला अकाउंट होता है हमारा रेवेन्यू अकाउंट दीज आर अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड गेंस यानी कि जब भी हम बात करते हैं कंपनी ने कोई मुनाफा कमाया कोई इनकम हुई तो बेसिकली हम रेवेन्यू की बात कर रहे होते हैं वहाँ पे अब रेवेन्यू जो है वो भी हमारी मल्टीपल रिसोर्सेस से आ सकता है जैसे मैंने कोई सेल्स करी तो मैंने रेवेन्यू जनरेट किया मैंने किसी किस्म का कोई कमीशन किसी काम से कमाया तो कमीशन इनकम कहलाती है वो मेरी इसी तरह से फिर रेंट इनकम होती है यानी कि मैंने कोई चीज़ रेंट आउट की हुई थी और उसकी मद मुझे रेंट मिला फिर फ़ीस इनकम होती है मैंने किसी जगह की फ़ीस कोई तय की हुई थी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे फ़ीस दे के लोग जो है कोई सर्विसेज अवेल कर रहे हैं तो वो मेरा रेवेन्यू जनरेट करेगी वो जगह या वो फ़ीस और इसी तरह से रिपेयर इनकम होती है मैं सर्विसेज देती हूँ किसी चीज़ को रिपेयर करने की तो वहाँ से मेरा जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो रिपेयर इनकम की फॉर्म में होगा फिर इंटरेस्ट इनकम होती है यानी कि मैंने कहीं पे अपनी कुछ अमाउंट जो है कुछ मनी जो है मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है और वहाँ से मैं कोई इंटरेस्ट हासिल कर रही हूँ तो वो चीज़ भी मेरा रेवेन्यू कहलाती है और इसके अलावा भी बहुत सारी जो है सोसेस होती हैं जहाँ से हमारी इनकम हो रही होती है और वो तमाम तर इनकम्स जो हैं वो हमारी रेवेन्यू अकाउंट के अंदर जाती हैं इसके अलावा फिर हम अगला जो अकाउंट देखेंगे वो होगा ड्राइंग अकाउंट ड्राइंग अकाउंट्स ख़ासतौर से क्रिएट किए जाते हैं टू रिकॉर्ड द कैश और गुड्स विद बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज़ यानी कि अगर कोई ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस के अंदर से कुछ अमाउंट यानी कि कोई पैसे निकालता है कैश निकालता है या फिर कोई चीज़ निकालता है और उसका मेन पर्पस ये है कि वो उसको किसी भी ऑफिस के काम में नहीं लगा रहा बल्कि वो उसको अपने पर्सनल यूज़ में लेके आ रहा है तो वो चीज़ हमारी ड्राइंग अकाउंट के अंदर लिखी जाती है ड्राइंग अकाउंट का कुछ ट्रीटमेंट होता है कि किस तरह से उसको रिकॉर्ड किया जाए व्हेन ड्राइंग इज़ मेड द कैपिटल इज डिक्रीज ठीक है पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब भी ड्रॉइंग की जाएगी ओनर की तरफ से तो हमारा कैपिटल जो है वो कम हो जाता है यानी कि मैंने बिल फर्स्ट लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट करी और उसमें से मैंने कोई दस हज़ार रुपये जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए तो अब लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जो मेरे पास हुई हुई थी उसमें से दस हज़ार रुपये कम हो गए यानी कि अब नब्बे हज़ार रुपये का के मेरा कैपिटल जो है वो सिर्फ रह गया ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट ये है सेकेंड इसके अंदर हम देखते हैं कि ड्राॅइंगस आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ड्राइंग्स को एक एक्सपेंस के तौर से ट्रीट किया जाता है तो इसको हमेशा डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है थर्ड हम इसके अंदर देखते हैं द बैलेंस इन द ड्राइंग अकाउंट इज़ ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट क्योंकि ये डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा होता है ओनर की कैपिटल को इस वजह से इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कैपिटल अकाउंट में फिर गुड्स विदड्रॉल फॉर पर्सनल यूज इज़ ट्रीटेड एज डिक्रीज़ इन परचेजेज एंड नॉट एन इंक्रीज इन सेल्स बिकॉज नो प्रॉफिट इज़ अर्न जो भी गुड्स हम विदड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए मैंने आपको कहा कि हम कैश भी विद्रॉ कर सकते हैं हम कोई मर्चेंडाइज़ या स्टॉक वगैरह भी विद्रॉ कर सकते हैं जो कि हमने रीसेल पर्पज़ के लिए लिया था तो जब भी हम कोई गुड्स विद्रा करते हैं तो उसको ट्रीट किया जाता है एज परचेज एंड इसके अंदर हम किसी भी किस्म की सेल्स को रिकॉर्ड नहीं करते ठीक है ड्राॅइंग हमारी हो रही होती हैं परचेज़ को हम कम कर देते हैं अपने पास से सेल्स रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि किसी किस्म की हमने सेल्स की ही नहीं होती हम इसको पर्सनल यूज़ में लेके जा रहे होते हैं क्योंकि हमने अपना पूरा अकाउंटिंग को मेंटेन करना होता है इस वजह से हमने वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कि जो कुछ भी हमारे परचेजेस कम हुई हैं यानी कि क्रेडिट साइड पे गई हैं वो क्यों गई हैं क्योंकि हमने कोई ड्राइंग्स की थी इस वजह से हम ड्राइंग्स को लिख देते हैं डेबिट साइड पे और सिंपल सी बात है इसके अंदर हमारे पास किसी भी किस्म का कोई प्रॉफिट भी जनरेट नहीं होता तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने कुछ अकाउंट्स को डिस्कस किया जो कि हम अकाउंटिंग के अंदर यूज़ करते रहेंगे और उम्मीद है आप लोगों को ये तमाम अकाउंट्स अच्छी तरीके से समझ आए होंगे इसके हवाले से इस लेक्चर के हवाले से किसी भी किस्म का आपका कोई सवाल है तो आप हम सिर्फ फेसबुक पे इंस्टाग्राम पर या फिर इस ई मेल एड्रेस पर या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अल्लाह हाफिज़